हाय फ्रेंड्स, आज हम लोग देखते हैं कि बड़े बड़े चीज़ें कैसे करना चाहिए। जब छोटी छोटी जो चीज़ें हैं वो बराबर हम लोग करते हैं तो बड़े बड़े चीज़ ऑटोमेटिक हो जाएगा। वही बुक्स के बारे में, ये डॉन कबर का है, बहुत अच्छा बुक है। ये स्टार्ट किया उसमें हर एक बुक के पीछे उसका पूरा होमवर्क, जैसे स्कूल्स में एक बुक पढ़ के वर्कबुक शीट होमवर्क ये सब होता ना, ऐसा मैं आगे करने वाला हूँ, आपको आगे बताता हूँ। लेकिन आज के लिए एक चीज़ इसमें से निकला है, प्रोक्रेस्टिनेशन, मतलब चीज़ें बाद में करना, परसू करना, आलसी होना, उसके बारे में है। एक उसमें थोड़े डिटेल रिसर्च किया गया है, मैं उसके बारे में बताता हूँ। इसमें बोलते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन से तीन तरह का लोग होते हैं, तीन तरह का प्रोक्रेस्टिनेट होता है, मतलब जो डिले करने वाले हैं, आलसी, काम बाद में, ऐसा तीन लोग होते हैं। जैसे पहला है जो हाई एनर्जी प्रोक्रेस्टिनेट होता है, मतलब जितना बहुत हाई एनर्जी है ऐसा लोग के पास होता है, ऐसा करते रहते हैं, राइट, उसके बारे में। अच्छा, पहले हम लोग देखते हैं, इसका एक सेंटेंस बहुत बढ़िया है, जब भी आप टालने का काम, हर काम करने का जो टालने का आदत हो जाता ना, एक आध बार टालते हो ठीक है, जब आपका आदत हो जाता है तो ये समय है आपको रुक के एक्शन लेने का, राइट। ये बुक में बताते हैं, जब आपका टालने का आदत, टालने का जो है चीज़ है आदत बन जाता है, तो आपको रुक के आपको एक्शन लेने का समय आ गया है, राइट। सो इसमें थोड़ा रिसर्च में बताया गया, तीन तरह के लोग होते हैं, एक तीन तरह का टालने वाले होते हैं, काम जो होता नहीं है प्लान करते हैं, होता नहीं, ऐसा तीन तरह के लोग होते हैं। नंबर वन है नीट निक, ऐसा एक लोग है जो ये कोई भी चीज़ करने से बोलते हैं, नहीं, आई लव प्लानिंग, आई वॉन्ट ऑर्गेनाइजिंग थिंग, आई वॉन्ट थिंग्स राइट बिफोर स्टार्टिंग, करने से पहले मुझे ये नीट होना चाहिए, वो नीट होना चाहिए, प्लान करना चाहिए, बेस्ट होना चाहिए, क्लियर डिटेल स्टडी होना चाहिए, इसी में मर जाते हैं, करते कुछ नहीं। तो ये ऑर्गेनाइज करते 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 मर जाएंगे और पूरा मेसअप हो जाएगा, आगे कुछ काम करेगा नहीं। तो पहले आप पता करो कि आप यही अंडर ये कैटेगरी में आते हो क्या, ठीक है, ये नंबर वन। दूसरा प्रोक्रेस्टिनेट होता है, उसको रैम्पलर बोला जाता है, रैम्पलर मतलब ये काम तो क्लियर करते हैं, उसके बाद चीज़ों में बहुत डिटेल में घुस जाते हैं, हर चीज़ करने में डिटेल में घुस जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंपनी स्टार्ट करना है तो उसका लोगो बनाना, यू नो, विजिटिंग कार्ड बनाना, वेबसाइट बनाना, इसी में वो इतना महीना, छः महीना टाइम बर्बाद करते हैं। भैया, कंपनी चालू करने के लिए क्लाइंट चाहिए, धंधा चाहिए, पैसा आना चाहिए, ये पहले इंपॉर्टेंट है। तो एक्शन उसके ऊपर लेने से पहले में बेबुजुल चीज में से बहुत डिटेल में घुस जाते हैं और एंड में कुछ कर नहीं पाते, राइट। सो ये एक चीज़ है। और सेकेंड, इनका जो फोकस है ना, ये छोड़ के दूसरा, दूसरा छोड़ के तीसरा, इसमें हट जाता है, वो भी इसको बोलते हैं कि रैम्पलर प्रोक्रेस्टिनेशन, राइट, एक हो गया। दूसरा, तीसरा वाला एक है, उसको डिलेटिनेट्स बोलते हैं। इस तरह का प्रोक्रेस्टिनेशन क्या होते हैं, ये कोई भी काम स्टार्ट करने से पहले इनके पास फुल एनर्जी होता है, आज करके दिखाएंगे, हम लोग खत्म करते हैं, हम लोग कुछ बन के दिखाएंगे, बस ये कुछ दिन के लिए रहेगा, उसके बाद खत्म। इनका जो फोकस है लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं होता है, राइट। तो आप क्या ये कैटेगरी में आते हो, ये आपको एक बार कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा, राइट। फिर फोकस इनको शिफ्ट भी करते रहते, ये करना है, वो जो एनर्जी होता है ना कंसिस्टेंटली, ब्रूस ली बोलते हैं, राइट, मुझे उनसे डर नहीं है जो हजार किक प्रैक्टिस करते हैं, मुझे उनसे डर है जो एक एक किक हर एक दिन प्रैक्टिस करते हैं, जो हर दिन आप प्रैक्टिस करते हो, राइट। एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, तुरंत उठ के आज मैं जिम जाऊंगा, दो घंटा एक्सरसाइज करूंगा, ऐसा कुछ बॉडी बनता नहीं। एक्सरसाइज करना है, पहले उठना चालू करो, फिर बाद में एक पांच पांच डंबल मारो, थोड़ा सा वार्म अप करो, सो जाओ, काम मत करो, फिर थोड़ा ज़्यादा, फिर थोड़ा ज़्यादा, लेकिन कंसिस्टेंटली आप करते हो, आपकी बॉडी पे चेंजेस आएगा, राइट। सो ये जो है फोकस स्टार्टिंग में रहता है, एनर्जी रहता है, बाद में हट जाता है, ऐसा तीन तरह का लोग होते हैं जिसकी वजह से काम टालते रहते हैं। पहले आप पता करो आप कौन सा कैटेगरी में आते हो, ठीक है, या सिर्फ ऑर्गेनाइज में करते करते मर जाते हो, ऐसा है, या फिर आप चीज़ करने से पहले घुस जाते हो उसके अंदर, इतना डिटेल में जाते हो, डिटेल 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 मर जाते हो। तीसरा वाला है जो एनर्जी स्टार्टिंग में होता है, चलते चलते एनर्जी गायब हो जाता है। तो आप कौन सा लिस्ट में आते हो पता करो, उसके हिसाब से ट्रीटमेंट करो। एनर्जी खत्म हो जाता है तो फिर एनर्जी स्टैंड करने का आप प्रैक्टिस करो। पॉकेट में डिटेल में घुस जाते हो उतना मत घुसो, मेन ओवरऑल देखो क्या इंपॉर्टेंट है, उसके ऊपर काम करो। ऑर्गेनाइजिंग डेटा, 40% 50% डेटा रेडी है, काम पे लगाओ,
राइट, ये सब चीज़ें। होप दिस इज़ यूजफुल, थैंक यू।